हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा वोकैबुलरी सीरीज जो मैं चला रहा हूं उसका पार्ट टू। और ये वोकैबुलरी जो है ये करेंट इंग्लिश वोकैबुलरी है। ये एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग के सभी एग्जाम्स के लिए, एनडीए, सीडीएस, सीटेट, यूपीएससी, चाहे कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन सभी के लिए हाईली यूजफुल ये वोकैबुलरी रहेगी। ठीक है, तो ये पार्ट टू है और इसको यदि डिटेल में इस वोकेबलरी को आप पढ़ना चाहते हैं तो englishiq.in इस वेबसाइट पर आप आके इस वोकेबलरी को डिटेल में पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ई बुक्स भी मैंने अपलोड की हैं, तो इनको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेफिनेटली इससे इंग्लिश सेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो चलिए देखिए, लास्ट टाइम फर्स्ट पार्ट में मैंने एम्बुलेट तक डिस्कस किए थे सारे वर्ड्स। एम्बुलेट एक्चुअली एम्बुलेंस जो बना है वो इसी से बना है। एम्बुलेट का मतलब होता है वॉक और मूव अबाउट। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट 20 वर्ड और एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, एनिमस, एनिमस आपने एक वर्ड सुना होगा, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी भी एक्चुअली इसी के लिए होता है, अ फीलिंग ऑफ इल विल, मतलब ईर्ष्या द्वेष की भावना या दुश्मनी की भावना, उसको हम बोलते हैं एनिमस। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है एनिमस। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं कन्वीवियलिटी। कन्वीवियलिटी देखिए कितना अच्छा वर्ड है, कन्वीवियलिटी, हॉस्पिटैलिटी या वेलकम, स्वागत करने वाला जो एटीट्यूड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कन्वीवियलिटी। फ्रॉस्टीनेस इसका एंटोनेम होगा। जो वर्ड ब्रैकेट में दिए हैं यहाँ पर वो है एंटोनेम। फ्रॉस्टीनेस मतलब ठंडापन, जैसे किसी को आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, किसी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कोई आया है तो उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, उससे आप बात नहीं कर रहे हैं, आप ठंडे हैं, आपका बिहेवियर ठंडा है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्टीनेस। यानी कन्वीवियलिटी का ये एंटोनेम होगा फ्रॉस्टीनेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉस्टीनेस का मैंने फिर से दिया है फ्रिजिड। फ्रिजिडिटी एक नाउन है, फ्रिजिड मतलब ठंडा या अनरिस्पॉन्सिव। ठीक है, फ्रिजिड एडजेक्टिव है, फ्रिजिडिटी जो है वो नाउन है। तो आपको ये भी जरूरी है, आपको जानना ये भी जरूरी है कि पार्ट ऑफ स्पीच किसी वर्ड का क्या है। तो फ्रिजिडिटी जो है ये अपने आप में एक नाउन है, फ्रिजिड जो है जैसे फ्रिजिड बिहेवियर, ये एडजेक्टिव है। अब देखिए होरीनेस, HORINESS, होरीनेस का क्या मतलब है, फस्टीनेस, एंशियंट, ऑब्सोलिसेंस मतलब पुराना, कोई भी चीज़ जो पुरानी है, एंशियंट मतलब पुराना, फस्टीनेस पुराना, और ऑब्सोलिसेंस, देखिए ऑब्सोलिसेंस ये ऑब्सोलीट से बना है, ऑब्सोलीट एडजेक्टिव है, ऑब्सोलीसेंस नाउन है, होरीनेस मतलब पुराना, और ये है इसके एंटोनिम, मॉडर्न या करेंट। ठीक है, इनको एक बार हम रिवाइज भी कर लेंगे। एब्ल्यूशन का मतलब होता है वॉशिंग, धोना, एब्ल्यूशन। ठीक है, बी लाइन क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू प्लेसेस, इसको हम बोलते हैं बी लाइन। एंग्स्ट क्या होता है, एंग्जाइटी या चिंता, इसको हम बोलते हैं एंग्स्ट, ANGST, एंग्स्ट। अब देखिए एंग से मिलता जुलता वर्ड है ऑगस्ट। ऑगस्ट का मतलब होता है विशालकाय, बहुत ही ज़्यादा वैभवशाली, इम्प्रेसिव। ठीक है, तो ऑगस्ट का मतलब होगा इम्प्रेसिव। हम्बल, हम्बल मतलब सीधा साधा, छोटा मोटा, हम्बल बैकग्राउंड जैसे हम बोलते हैं, हम्बल बैकग्राउंड मतलब सिंपल बैकग्राउंड। तो ऑगस्ट का इम्प्रेसिव होगा, हम्बल इसका उल्टा होगा। एंग्स्ट का एंग्जाइटी होता है, बी लाइन का स्ट्रेट लाइन होता है, एवोल्यूशन का वॉशिंग होता है। ठीक है, अब देखिए ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इमेशिएटेड। इमेशिएटेड मतलब वीक एंड थिन, जो काफ़ी पतला है और कमज़ोर है। नॉर्मली बीमारी के बाद एक व्यक्ति जो कमज़ोर और पतला हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इमेशिएटेड। ठीक है, वीक एंड थिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। फैचुअस, जैसे देखिए ये फैट से बना है, नॉर्मली ये माना जाता है कि जो मोटे लोग होते हैं उनकी बुद्धि भी मोटी होती है। ठीक है, फैचुअस फूलिश होगा इसका, फैचुअस। अटेन्यूएट, अटेन्यूएट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ब है अटेन्यूएट, टू मेक समथिंग स्मॉलर और थिनर और वीकर, किसी चीज़ को पतला कर देना, छोटा कर देना या कमज़ोर कर देना, इसको हम बोलेंगे अटेन्यूएट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखिए ये एक वर्ड आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्टिकुलरली SSC एग्जाम के लिए, बच्चानेलियन। बच्चानेलियन, बच्चानेलियन मतलब ड्रंकन, जो शराब पिया हुआ है उसको हम बोलेंगे बच्चानेलियन। इसकी स्पेलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैरक, BAROQUE, बैरक का मतलब होता है ऑर्नेट या सजाया हुआ। ठीक है, इसको हम रोकोको भी बोल सकते हैं, रोकोको,
प्लेन इसका एंटोनिम होगा, जो वर्ड ब्रैकेट में दिए हैं वो एंटोनिम है। अब देखिए यहां पर ये कितने इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिगेट। ब्रिगेट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, किसी चीज को पैदा करना। जैसे हम बोलते हैं मनी बिगेट्स मनी, मतलब पैसे से पैसा बनता है, मनी बिगेट्स मनी, ठीक है। बिगेट मतलब प्रोड्यूस। बिसेट का क्या मतलब होता है, बिसेट का मतलब ट्रबल समवन ऑन समथिंग परसिस्टेंटली, किसी व्यक्ति को परेशान करना या कोई भी ऐसी चीज जो उसको परेशान करती है। आई एम बिसेट विद डिफिकल्टीज, ठीक है। तो बिसेट का मतलब परेशानियों से घिरा होना, बिगेट का मतलब प्रोड्यूस करना, बैरक का मतलब सजना या सजाना, अटेंटुएट मतलब किसी चीज को पतला या वीक करना। अब देखिए बी के ये वर्ड्स जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इसमें कन्फ्यूजन भी होता है स्टूडेंट्स को, तो इस पार्ट में मैं 20 वर्ड्स एक्सप्लेन करूंगा। इनको हम रिवाइज भी करेंगे, इन वीडियो क्लासेस को आप बार बार देखिए, सारे वर्ड्स अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। बेहेस्ट का मतलब क्या है, ऑर्डर या कमांड, किसी व्यक्ति को ऑर्डर या कमांड देना, ठीक है, बेहेस्ट। बिहोल्ड का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु या सीनरी को निहारना, टू सी एंड लुक एट समवन और समथिंग और गेज अपॉन समथिंग। जैसे आप पहाड़ियों पर गए हैं और उसको आप निहार रहे हैं, या कोई खूबसूरत दृश्य है उसको आप निहार रहे हैं, बिहोल्ड, ठीक है। जैसे एक प्रोवर्ब है, शेक्सपियर से रिलेटेड एक प्रोवर्ब है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। बहुत ही खूबसूरत ये पंक्ति है। बिहोल्ड का मतलब होता है निहारना, बिहोल्डर मतलब निहारने वाला। बिहेस्ट का मतलब होता है ऑर्डर या कमांड, ठीक है। गैलेंट्री, गैलेंट्री अवार्ड के बारे में आपने सुना होगा, ये बहादुरी के लिए दिए जाते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स। तो गैलेंट्री बिहेवियर यानी करेजियस बिहेवियर, करेजियस बिहेवियर स्पेशली इन बेटर और पोलाइट अटेंशन और रिस्पेक्ट गिविन टू वीमेन बाय मैन। औरतों को एक अटेंशन देना और उनका सम्मान या इज्जत करना, उसको भी हम गैलेंट्री बोलते हैं, बहादुरी को भी हम गैलेंट्री बोलते हैं, ठीक है। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी अ विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क और रूड और डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर और इम्पूडेंस। ऑडेसिटी या ऑडेशियस का मतलब होता है निर्लज्जता, ढीठता, कोई व्यक्ति बहुत ढीठ है, सुनता नहीं है, और डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर है उसको हम बोलते हैं ऑडेशियस बिहेवियर या ऑडेसिटी। ऑडेसिटी जो होगा वो ये नाउन होगा। इसके लिए जो सिनोनिम है वो है इम्प्यूडेंस, ठीक है। प्रूडेंस एक अलग वर्ड है, प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, प्रूडेंस, ये है इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस का होगा ऑडेसिटी, ठीक है। एट्रोसिटी का क्या मतलब है, एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। एन एक्सट्रीमली विकेड और क्रूअल एक्ट, टिपिकली वन इन्वॉल्विंग फिजिकल वायलेंस, एट्रोसिटी, अत्याचार को हम बोलते हैं। टेमेरिटी क्या होता है, व्हाट इज टेमेरिटी, TEMERIT भाई, टेमेरिटी अ विलिंगनेस टू डू और से समथिंग दैट शॉक्स और अपसेट पीपल, ठीक है। हिम्मत वाला काम जो होता है उसको हम बोलते हैं टेमेरिटी, अ विलिंगनेस टू डू और से समथिंग दैट शॉक्स और अपसेट पीपल, लोगों से कुछ ऐसा कहना कि लोग एक शौक रह जाए, टेमेरिटी। नर्व, गॉल, ऑडेसिटी, रैशनेस, ब्रास, चीक, चीक मतलब ढीठ व्यक्ति को हम बोलते हैं, और ढीठताई, ढीठपना, इसको हम बोलते हैं ई फ्रंटरी, ये भी एक काफ़ी अच्छा वर्ड है, ई फ्रंटरी, ढीठपना, चीक, चीकीनेस, ठीक है। तो टेमेरिटी को भी हम ई फ्रंटरी बोल सकते हैं। डिवाउच, ये का वर्ड है डिवाउच, करप्ट संबंध मोरली, कोई व्यक्ति यदि करप्ट है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने अपने प्लेजर्स के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको हम बोलते हैं डिवाउचरी, डिवाउचरी। और डिवाउच एक्चुअली एक नाउन है, डिवाउच, ठीक हो। सिकोफेंसी का मतलब होता है खुशामद करना, किसी व्यक्ति की चापलूसी करना, उसको हम बोलते हैं सिकोफेंसी। तो हमने कितने वर्ड देख लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं इन वर्ड्स को, 20 वर्ड आराम से हो गए होंगे। एक बार यहाँ से हमने ये वर्ड्स किए थे, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनिमस का होता है अ फीलिंग ऑफ इल विल, ठीक है। कन्विबियलिटी हॉस्पिटैलिटी होता है। फ्रॉस्टीनेस ठंडापन, फिजिलिटी। होरीनेस पुराना। एब्लूशन वॉशिंग। बी लाइन स्ट्रेट लाइन। एंगस्ट एंग्जाइटी। ऑगस्ट इम्प्रेसिव, बहुत ही विशाल का है, वैभवशाली, ऑगस्ट। इमेशिएटेड वीक एंड थिन, कमजोर हो जाना। फैचुअस फूलिश। अटेनुएट, अटेनुएट का मतलब टू मेक समथिंग स्मॉलर थिनर और वीकर, अटेनुएट,
काफ़ी अच्छा वर्ड है, बच्चानेलियन ड्रंकन, बच्चानेलियन ड्रंकन, बैरक ऑर्नेट, बिगेट प्रोड्यूस, बिसेट ट्रबल समवन और समथिंग परसिस्टेंटली, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बेहेस्ट ऑर्डर या कमांड, किसी व्यक्ति को बेहोल्ड निहारना, गैलेंट्री बहादुरी, ऑडेसिटी ढीठता, एट्रोसिटी अत्याचार, टेमेरिटी भी ढीठता ही होता है, डिवाउच किसी को करप्ट करना, सिकोफेंसी सिकोफेंसी एक्सेसिव और इनसिंसियर प्रेज ऑफ समवन टू गेट पर्सनल एडवांटेज। तो एक्चुअली ये पूरी सीरीज़ है और इसमें एक पोस्ट में मैंने 100 वर्ड्स कलेक्ट किए हैं। इनके वीडियो सॉल्यूशंस मैं आपको यूट्यूब पर अपनी साइट पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये इसका सेकंड पार्ट है। और यदि आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, englishiq.in इस वेबसाइट पर आपको आना है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं englishiq.in, इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से इन वर्ड्स को आप रिवाइज़ करें, पढ़ें, डेफिनेटली आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा यदि कुछ ई बुक्स आप लेना चाहते हैं वोकेबलरी की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इन सभी पोस्ट को प्लीज़ अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। और इस साइट को englishiq.in को इसको सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी नया पोस्ट मैं यहाँ पर डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमने 20 वर्ड्स को रिवाइज़ किया, आई होप आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे होंगे। बाकी के इसमें जो नीचे के जो वर्ड्स हैं वो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे और उनको रिवाइज़ करेंगे, और डेफिनेटली इनसे बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।